जनपद बलिया से है, जहां सिकंदरपुर स्थानीय जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में विशाल विश्वकर्मा महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों विश्वकर्मा समाज के लोग उपस्थित रहे। वहीं महासम्मेलन के मुख्य अतिथि वाराणसी के हंसराज विश्वकर्मा विधान परिषद सदस्य जिलाध्यक्ष भाजपा रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान विश्वकर्मा जी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। वहीं मुख्य अतिथि ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने विश्वकर्मा समाज के लिए कई स्कीम लाई है, जिससे समाज को बहुत ही फायदा हो रहा है। सभी पत्रकार बंधु, ये कार्यक्रम जानते हैं, आजादी का ये बागी बलिया जिसको कहते हैं, मंगल पांडे हमारे देश के सबसे चंद्रशेखर की धरती है जी, जहाँ से तमाम आवाजें उठी आजादी के लिए जी। तो उस धरती पर आया हूँ, पहले उस धरती को सलाम करता हूँ, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ जी। हमारे मारकंडे शर्मा जी ने जो ये कार्यक्रम किया, विश्वकर्मा समाज ने किया, इनको इनके पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की जो विचार है, जो उनका काम है, उसको आगे बढ़ाने के लिए सारे समाज को आगे जोड़ रहे हैं। आएंगे आपको भला, कभी किसी समय मिलिएगा, लेकिन आपके सामने हूँ कि तीसरी बार जो है जिला अध्यक्ष बना हूँ, और बना हूँ तो जरूर अगर किसी को, किसी अधिकारी को फोन करता तो उसका विश्वकर्मा भगवान विश्वकर्मा के समाज का भला होता है। जब चुनाव ही आता तो समाज की याद बढ़ता है, ऐसा कोई नहीं। खबर फरुखाबाद से है, जहां बसपा नेता अनुपम दुबे के होटल श्री गुरु सरणम के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया जो है जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। वहीं मौके पर पहुंची बसपा नेता अनुपम दुबे की पत्नी मीनाक्षी दुबे ने बताया कि होटल ध्वस्तीकरण पर हाई कोर्ट की तरफ से रोक है, उसके बाद भी यदि होटल ध्वस्त किया जा रहा है तो वह विधि संगत नहीं होगा। फिलहाल जिला प्रशासन ने मीनाक्षी दुबे को होटल की तरफ जाने पर रोक लगा दी है। जिला प्रशासन की तरफ से मीनाक्षी दुबे के दावे पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। रीट वाली प्रक्रिया चल रही है, तब तक होटल पे कोई डेमोलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ से इनके पास डायरेक्ट खबर आ चुकी है। अभी अगर ये सब किया जा रहा है तो वो तो कानून देखेंगे। आपको कैसे जानकारी मिली? हमको जानकारी वकील जो वहाँ पे कोर्ट में थे, उन्होंने अभी अभी खबर करी है, और यहाँ पर भी खबर आ चुकी है, और उसके बाद भी अगर कोई यहाँ पे हानि पहुँचाई जाती है मेरे होटल को, तो उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे, और वो कोर्ट इन लोगों को खुद ही सजा देगी। केवल मेरे ही होटल। पूरा मामला जिला कलेक्ट्रेट परिसर कार्यालय बांदा का है, जहां पर पीड़ितगढ़ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्राम पंचायत पर स्वच्छाग्राही के पद पर निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिनका मिशन निदेशक के शासनादेश में स्वच्छाग्राहियों के सक्रियता के विषय में निर्देशित किया गया था। वहीं विभाग के स्वच्छाग्राहियों की सक्रियता की सूचना पर फीडिंग हेतु एंट्री फॉर्म विकसित किया गया है। उक्त कार्य एक सप्ताह के अंदर उपरोक्त वेबसाइट पर फीड किया जाना सुनिश्चित था। वहीं उक्त विषय के संबंध में स्वच्छाग्राही गढ़ कई बार जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी को उक्त शासनादेश के संबंध में फीडिंग कराने के लिए लिखित शिकायत दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई डाटा स्वच्छाग्राहियों का अपलोड नहीं किया गया है। खतौली में स्वाभिमान बचाओ रैली के तत्वाधान में सैनी महासम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान बनारसी दास सैनी ने की। मुख्य अतिथि बतौर पहुंचे समाज सेवी चरण सिंह सैनी को एक दर्जन से अधिक सामाजिक संगठनों के वरिष्ठ नेताओं ने पगड़ी और फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया, और मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से चरण सिंह सैनी को चुनाव लड़ने का ऐलान किया। खतौली क्षेत्र के ग्राम टिडौला में गुर्जर की एक भव्य बैठक आयोजित की गई, जिसमें काफी संख्या में युवा मौजूद रहे। वहीं बैठक में आगामी चुनाव को लेकर गुर्जर समाज ने रणनीति तैयार की। वहीं गांव टिडौला में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितेंद्र चौधरी के निवास पर गुर्जर समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक में गुर्जर समाज के गणमान्यों ने आगामी चुनाव को लेकर समाज की भूमिका पर रणनीति तैयार की। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितेंद्र चौधरी ने बताया कि पार्टी में रहकर उन्होंने आमजन की खूब सेवा की है। उन्होंने बताया कि वो आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस
कांग्रेस के प्रबल दावेदार हैं। वही पार्टी भी जल्द उन्हें बड़े जिम्मेदारी सौंपने जा रही है। बैठक में काफी संख्या में युवा मौजूद रहे। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां बाल विवाह मुक्त भारत के रूप में कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक बलिया एस आनंद द्वारा पुलिस लाइन में सभी अधिकारी और कर्मचारीगण को बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ दिलाई गई। इस दौरान समस्त पुलिस अधिकारीगण और कर्मचारीगण उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त समस्त थानों के प्रभारी और थानाध्यक्षों द्वारा अपने अपने थानों पर नियुक्ति सभी कर्मचारी और अधिकारियों को शपथ दिलाई गई।